क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1। हमारा नेक्स्ट वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस वीडियो में क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट, 3, 6, 9, 12 भी हमारा एक सेट है, तो इसका निर्माण रूप लिखना है कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका जो निर्माण रूप है, फर्स्ट का हल होगा एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n और 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू n इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा। इसी में सारी ये वैल्यू क्या करेंगी, वैरी करेंगी। फिर सेकेंड, 2, 4, 8, 16, 32, तो हल हो जाएगा इसका एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n और 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू n इज लेस देन आर इक्वल्स टू 5। इसी में ये सारे नंबर्स क्या करेंगे, वेरी करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है 5, 25, 125, 625, तो इसका जो हल होगा एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 5 और 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू एन इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4। इसी में ये सारे नंबर्स वेरी करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 2, 4, 6 अप टू ... तो इसका जो हल होगा एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, या 2, 4, 6, इसके बाद 8, 10, ये सारे हमारे इवन नंबर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1, 4, 9 अप टू ... 100, तो इसका हल होगा एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर वेयर 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू एन इज लेस देन आर इक्वल्स टू 10। इसी में सारे नंबर्स वैरी कर जाएंगे, स्क्वायर के फॉर्म का है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। फर्स्ट, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी जो हमारी विषम प्राकृत संख्या है, तो 1, 3, 5, 7, 9 टू डॉट डॉट जो 2 से 9 कटे। फिर क्वेश्चन सेकेंड, बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और वह -1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 9/2, तो बी की वैल्यू जो हो जाएगी वह 0, 1, 2, 3 और 4 के बीच की ये वैल्यू इसके अंदर लाई करेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4, जो सी की वैल्यू होगी -2, -1, 0, 1 और 2, इसी के बीच सारे नंबर्स वेरी करेंगे। फोर्थ, डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स लोएल शब्द का एक अक्षर है, तो इसका जो हल होगा डी इक्वल्स टू एल ओ वाई ए लेंगे, एल दो बार आया है तो केवल एक ही बार हम यूज करेंगे। फिफ्थ, एफ इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो ऐसे वर्ष के महीनों का कलेक्शन लेना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो वह हमारा सेट जो होगा एफ इक्वल्स टू फरवरी होगा, अप्रैल होगा, जून होगा, सितंबर होगा, नवंबर होगा, ये जो महीने हैं वह हमारे 31 दिन के नहीं होते हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ, एफ इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, केवल व्यंजन को रखना है वावेल को नहीं, तो व्यंजन को केवल रखना है स्वर को नहीं, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BCDFGHJ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बाईं ओर रोस्टर रूप से लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। फर्स्ट, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, ये है इसका एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। फिर सेकंड है इसका 2, 3, B एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। थर्ड, MATHEICS एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। IV 1, 3, 5, 7, 9, D एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो जो फर्स्ट हमारा है 1, 2, 3 और 6 यह क्या है, यह जो हमारा है वह सी है, सी से इसका मिलान होगा, क्योंकि कि 1, 2, 3 और 6 जो है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या भी और यह 6 की भाजक भी है। सेकंड जो होगा 2, 3 हमारा एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और यह
छः की भाजक भी है। थर्ड हमारा जो है MATHEMATHEICS, यह क्या है, यह हमारा टी हो जाएगा। यह एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो उसे किस में क्या है, एम है, टी है, एम है, ए है, टी है, एच है, ई है, आई है, सी है और एस है, तो सारे इसमें वो वर्ड हैं जो मैथमेटिक्स के होते हैं। फिर फोर्थ 1, 3, 5, 7, 9, यह क्या हो जाएगा हमारा एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम 1, संख्या 10 से कम 1 विषम प्राकृत संख्या है। ये जो भी हमारी संख्याएं हैं वो विषम प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसका मिलान 4 का बी पर हो जाएगा। दोस्तों ये अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।